रिपोर्ट के मुताबिक इस कल्लास में 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी ने नेशनल हाईवे पर रुकावटें खड़ी करके मेटापोसिस के लिए सामान ले जाने वाले ट्रॉलर्स का रास्ता रोक दिया। इस मौके पर जमींदारों के रहनुमाओं मीर मुनीर अहमद चाहवानी, हाजी अब्दुल अजीज मुगल और दीगर ने कहा कि हमने कैस्को के जुल्म ज्यादतियों से तंग आकर अफगानिस्तान में मेटापोसिस के लिए सामान ले जाने वाले ट्रॉलर्स को गैर मुजीना मुद्दत तक रोकने का फैसला किया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कैस्को की जानब से जमींदारों को बिजली की फराहमी बहाल न की गई तो ईरान से पाकिस्तान को गैस की फराहमी भी रोक दी जाएगी और उस पावर प्रोजेक्ट के सुबर्सन से दी जाने वाली बिजली भी मुअत्तल कर दी जाएगी। कल्लास से एक और रिपोर्ट के मुताबिक जोहान सीटे से नामालूम चोर बिजली के 28 पोल्स की तार काट कर ले गए। इलाके में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ जोहान और शेखरी के अवाम ने कबायली अमायदीन की क्यादत में डेप्टी कमिश्नर कल्लास के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए सरदार गुलाम मुर्तजा शाहबानी, मीर अफजल खान लहरी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि कल्लास इंतजामिया चोरों के सामने बेबस नजर आती है। उन्होंने डेप्टी कमिश्नर कल्लास से इलाके के कंट्रोल लिमिट के हवाले करने का मुतालबा किया।